हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के बीच एक बेहद ही आसान टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं और उस टॉपिक का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मेरे ख्याल से आपने क्लास 11th में बिल ऑफ एक्सचेंज टॉपिक जरूर स्टडी करा होगा और मोस्ट प्रोबेबली आगे फर्दर अगर आपने प्रोफेशनल कोर्सेज की फर्स्ट स्टेज की एग्जाम दी होंगी तो वहां भी आपने बिल ऑफ एक्सचेंज टॉपिक को जरूर टच करा होगा। यहाँ भी वही टॉपिक है बट एट द रिक्वेस्ट ऑफ सो मेनी स्टूडेंट्स मैं ये वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। 11th क्लास के लिए, बच्चों के लिए, 11th क्लास के बच्चों के लिए ये टॉपिक बेहद एसेंशियल, बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। और इस आसान टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो टॉपिक है एक्चुअली बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज क्यों करते हैं। इनिशियली जो बिगिनर्स होते हैं वो थोड़े से कन्फ्यूज होते हैं जरूर। रीजन उसका ये है कि वो बिल का मतलब समझ लेते हैं कि रेस्टोरेंट का बिल, बिजली का बिल, यहाँ वो बिल की मतलब नहीं है। यहाँ बिल का मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है, इसकी डेफिनेशन इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में दी गई है और उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो पता चलता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो एक व्यक्ति जो क्रेडिटर होता है वो अपने डेटर के ऊपर ड्रॉ करता है, यानी लिखता है, हैंड रिटन होता है और उसमें वो एक सर्टेन टाइम पीरियड में मेंशन होता है, अमाउंट मेंशन होता है और बिना शर्त भुगतान का ऑर्डर होता है। तो उसमें जो कंटेंट होती है उस डॉक्यूमेंट में, वो डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है, बॉन्ड पेपर हो सकता है, स्टैंप पेपर हो सकता है, रेवेन्यू स्टैंप फिक्स हो सकता है। बड़ा ही सिंपल सा मैटर है कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज को हम लोग अकाउंटिंग में कैसे, बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में हम लोगों को जो जानना है तो कौन कौन सी टॉपिक्स लेनी है और किस तरीके से इस पे बात करनी है, हम लोग अभी सब स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन सब हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में जाने से पहले आप लोगों को ये माइंड मेकअप करना होगा कि आप जनरल का एक्सटेंशन पढ़ते, नॉट मोर देन दैट, इट इज जस्ट ओनली जनरल और क्लास 11th की जनरल से ज्यादा ये कुछ नहीं है। आप बैठिए आराम से, रिलैक्स होइए, कितनी देर आप कर रहे हैं, बैठिए। तो देखिए इसमें जो हम लोगों ने टॉपिक पे बिल ऑफ एक्सचेंज टॉपिक पे जो हमने डिस्कशन करना है, उस डिस्कशन पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो टॉपिक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पुराना नाम हमारे हिंदुस्तान में इसे कहा जाता था हुंडी और इसी का इंग्लिश वर्जन या इंग्लिश नाम है विनिमय बिल, हिंदी में इसको कह दूं जरूर दिया गया लेकिन इसका एक्चुअल जो मीनिंग था वो हुंडी था। और इसमें एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर के ऊपर बिल ड्रॉ करते थे और वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज होता था। क्रेडिट का एविडेंस था, इंडेबटनेस की एविडेंस थी वो और एसेट के तर्ज पर वो इंस्ट्रूमेंट एक हाथ से दूसरे हाथ ट्रांसफर हुआ करता था और एक सर्टेन मैच्योरिटी डेट उसमें होती थी। तो हम लोग मैच्योरिटी डेट के संदर्भ में भी बात करेंगे। आइए पहले ये जाने कि बिल ऑफ एक्सचेंज के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और उस बेसिक्स पे हम लोग जाना चाहेंगे। देखिए मिस्टर ए एक व्यक्ति है, मिस्टर ए आई शुड यूज आई थिंक ब्लैक इंक, मिस्टर ए एक व्यक्ति है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 10,000। सपोज कि मिस्टर ए सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 10,000 टू मिस्टर बी। अब यहां पे आप बेसिक बात जानते हो कि मिस्टर ए क्रेडिटर है, मिस्टर ए को आप क्रेडिटर कहोगे और मिस्टर बी विल बी कॉल्ड डेटर। ये एक बेसिक बात है और इस बेसिक बात पे आपको कोई विशेष बताने की जरूरत नहीं है। आप इस बात को भली भांति समझ रहे हो यहां पे कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को उधार गुड्स बेचा है या फिर ऐसी भी बात हो सकती थी कि मिस्टर ए ने पहले से कुछ मनी दे रखा है, मनी बोरो करा हुआ हो मिस्टर बी को। तो यह भी हो सकता था कि मिस्टर ए वंस अगेन मनी लेंडर है और ये मनी रिसीवर है, तो डेटर और क्रेडिटर का कांसेप्ट ही हम लोग समझे। यहां पर समझना आपको क्या है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में ये दो बंदे जरूर होने चाहिए, यानी दो पार्टीज तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, एक क्रेडिटर और दूसरा डेटर। अब बिल लिखने की जहां तक बात है और एक्सेप्टेंस की जहां तक बात है तो क्या हुआ कि मिस्टर ए ने बिल ड्रॉ किया। अब बिल कैसा ड्रॉ होगा, बिल एक डॉक्यूमेंट होगा, हैंड रिटन होगा, इसमें मिस्टर ए बिल ड्रॉ करेंगे और ये बिल मिस्टर बी के पास जाएगा, मिस्टर बी इस पे अपना एक्सेप्टेंस देंगे। अब वो एक्सेप्टेंस क्या होता है, किस तरह से होता है और बिल ड्रॉ किस प्रकार से होता है ये भी समझना होगा, इसके कंटेंट क्या होंगे ये बात ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। बड़ा ही सिंपल वर्ड यूज होता है, कुछ सेंटेंस यूज होते हैं। मिस्टर ए लिखेगा टू मिस्टर बी, पे टू मी और एज पर माई ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज 10,000 टू मंथ्स, थ्री मंथ्स, जितनी मोहलत में देनी है आफ्टर दिस डेट फॉर वैल्यू रिसीव थैंकिंग यू अपना सिग्नेचर। और ये डॉक्यूमेंट मिस्टर बी को प्रोड्यूस किया जाएगा, मिस्टर बी उस पर अपना हस्ताक्षर करेंगे, एक्सेप्टेड, और वो डॉक्यूमेंट मिस्टर ए के पास वापस आ जाएगा। तो ए के लिए ये डॉक्यूमेंट कहलाएगा, मिस्टर ए के लिए ये कहलाएगा बिल्स रिसीवेबल और मिस्टर बी के लिए यही डॉक्यूमेंट कहलाएगा बिल्स पेएबल। हमने शॉर्टकट यूज कराया है बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल, आप पूरा लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल। तो बिल्स रिसीवेबल किसके लिए होगा, क्रेडिटर के लिए होगा और बिल्स पेएबल किसके लिए होगा, डेटर के लिए। तो यानी कि यहां पे अभी दो पार्टीज हैं, एक जो बिल लिख रहा है और दूसरा जो बिल का एक्सेप्टेंस दे रहा है। अब हम मिस्टर ए को यहां पे कह सकते हैं ड्रॉअर, बिल लिखने वाले को कहते हैं ड्रॉअर। ड्रॉअर कौन हुआ, ड्रॉअर वो बंदा है जो बिल लिखता है, ठीक है, वन हू ड्रॉस बिल इज नोन एज ड्रॉअर। और मिस्टर बी को हम लोग क्या कॉल करेंगे, मिस्टर बी विल बी कॉल्ड ड्रॉअर।
तो ये दो पार्टी तो बेसिक है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज की दो पार्टीज हो गई, एक ड्रॉअर और दूसरा ड्रॉअर। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। हु विल बी कॉल्ड ड्रॉअर, डेफिनेटली क्रेडिटर विल बी कॉल्ड ड्रॉअर, एंड हु विल बी कॉल्ड ड्रॉअर, डेफिनेटली डेटर विल बी कॉल्ड ड्रॉअर, बिकॉज ही विल हैव टू गिव हिज एक्सेप्टेंस ऑन अ डॉक्यूमेंट। दिस डॉक्यूमेंट विल बी कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज, एंड दैट बिल ऑफ एक्सचेंज विल बी ऑल्सो कंसीडर्ड एज बिल्स पेबल, एंड इट वुड बी अ लायबिलिटी फॉर ड्रॉअर और डेटर, एंड बिल्स रिसीवेबल वुड बी अ काइंड ऑफ एसेट फॉर ड्रॉअर। तो अभी हमने डिस्कस करना है आपसे ये बेसिक बातें हैं, और ये बेसिक बातें अगर आप नहीं समझते हो तो फिर आगे बात करना बेमानी है, आगे की कोई बात समझने के लिए उस लायक आप रह नहीं पाओगे कि आप बाकी की बातें समझ। यहां ये दोनों पार्टीज के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर आपसे कहा जाए कि इतनी बातों की आप जर्नल एंट्रीज करें, तो अभी देखिए कि आप इस फेनोमेना को पहले नोट डाउन कर लीजिए, और मैं अभी यही इन बातों को, इन जो भी अभी तक जितनी बातें हुई यहां पे मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में जो ट्रांजैक्शंस हुए उसे हम लोग रिकॉर्ड कैसे करेंगे इनिशियल पेज में इन द बुक्स ऑफ ए एंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी। सिंपल सी बात पहले समझ लेते हैं, इसको आप पहले लिख लीजिए कि हु विल बी कॉल्ड ड्रॉअर, डेफिनेटली क्रेडिटर विल बी कॉल्ड ड्रॉअर, एंड हु इज ड्रॉअर, द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ड्रॉअर, वन हु ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, एंड हु इज ड्रॉअर, डेटर इज ड्रॉअर, एंड हु विल बी कॉल्ड ड्रॉअर एज पर डेफिनेशन, द पर्सन who gives acceptance on a bill of exchange is known as drawee। अभी एक तीसरी पार्टी की भी बात होती है, और वो तीसरी पार्टी होती है payee। हमने payee के बारे में भी बात करना है और parties of bill of exchange के बारे में भी बात करना है, लेकिन अभी हमने यहाँ पे आपको ये जो transactions हुए A और B के बीच में, कितने transactions हुए मैं उसे clarify कर दूँ कि A ने पहले goods बेचा था, तदुपरांत A ने B पे bill draw करा था, तो बिल ड्रॉ करने का मतलब ट्रांजेक्शन नहीं है, ना तो ए के नजरिए से और ना ही बी के नजरिए से, लेकिन ए ने बिल ड्रॉ करा और बी के पास सबमिट करा, भेज दिया, और बी ने उसके अपना एक्सेप्टेंस दे दिया, तभी हम उसको बिल ऑफ एक्सचेंज कहेंगे, अदरवाइज वो टेक्निकली ड्राफ्ट कहलाता है। जब तक ड्रॉअर का एक्सेप्टेंस बिल पे ना मिल जाए तब तक वो टेक्निकली ड्राफ्ट कॉल किया जाता है, और जैसे ही एक्सेप्टेंस मिल गया ये ट्रांजेक्शन एक्जीक्यूट हो गया दोनों के नजरिए से, ए के नजरिए से बिल्स रिसीवेबल वो एसेट क्रिएट हो गया, और बी के नजरिए से वो लायबिलिटी को बिल्स पेबल। अभी देखिए ए और बी के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुई उनको हम लोग रिकॉर्ड कैसे करेंगे, उसके बाद की बात हम लोग आगे करेंगे, सारे टॉपिक को एक जगह रख करके उसके बाद आपसे बात की जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमने जर्नल इंक्रीज कर दी है ए और बी दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो किस प्रकार की जाएगी। पहले ए का जर्नल, ट्रांजेक्शन क्या हुए, पहला ट्रांजेक्शन हुआ ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन क्रेडिट रूपी 10,000, दूसरा ट्रांजेक्शन हुआ ए ड्रू and B accepted a bill of rupee 10,000 for dot dot months, हमने tenure नहीं लिया है। अब A journal क्या करेगा, A journal, B journal क्या करेगा, A entry करेगा B debit two sales, how much 10,000। अब यदि बच्चों से बेसिक्स पूछा जाए why these entries have been passed, why this entry, what are the rules behind these entries, तो आप जवाब दोगे कि सर डेटर इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज इन डेटर डेबिट एंड इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट, बेसिक रूल जो जर्नल का आपको पहले बताया गया क्लास 11th में, सेम थिंग अप्लाइज। अगेन ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन की एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए हो गई। अभी क्या हुआ कि ए ने बिल लिखा था, बिल लिखने की कोई एंट्री नहीं होती, बट बी ने उसका एक्सेप्टेंस दे दिया तो एंट्री होगी। अब सेकंड एंट्री ए क्या करेगा, सेकंड एंट्री वुड बी bills receivable debit 10,000 rupees to B। अब इस एंट्री के पीछे अगर आपसे लॉजिक रूल नियम पूछे जाए तो आप जवाब ये दोगे कि सर बिल रिसीवेबल क्यों डेबिट हो रहा है, रीजन इज दैट एसेट इंक्रीजेस, मिस्टर बी क्यों क्रेडिट हो रहा है, रीजन इज दैट डेटर इज बीइंग डिक्रीज्ड और रिड्यूस्ड। दिस इज द बेसिक एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर। ड्रॉअर ने गुड्स बेचा, एंट्री हुई, ड्रॉअर को बिल का एक्सेप्टेंस मिला, एंट्री हुई। अब ड्रॉअर क्या करेगा, What entries will be passed in the books of drawee? तो A ने कुछ बेचा था B को, तो B ने खरीदा है, B के लिए entry होगी purchases account debit, B अपने यहाँ entry करेगा purchases account debit to Mr. A 10,000 rupees। अब यहाँ भी आपसे logically पूछा जाए कि what is the rule and why purchases account has been debited? Your answer should be expense has gone up, increase in expense and increase in creditor will be credit, Mr. A becomes the creditor। Again, the second entry. This is the very first entry for purchase of goods and for acceptance given. How? Mr. A would be debited and bills payable would be credited. Bills payable account would be credited. आपसे फिर पूछा जाए कि आपने ये entry क्यों करा है? Amount आप ले लें 10,000 debit, 10,000 credit. Creditor decrease कर रहा है अब, because creditor को हमने acceptance दे दिया, दूसरी liability create हो गई हमारी. Increase in liability credit. तो ये basic funda पहले आपको समझना है और यहीं से आगे की कहानी शुरू होती है। आगे की जो कहानियां शुरू होंगी यहीं से कहानी शुरू होती है कि ड्रॉअर के पास अब क्या ऑप्शन है, ड्रॉअर के पास क्या ऑप्शन है वगैरह वगैरह, हम लोग अभी उसमें डिस्कशन करेंगे।
लेकिन उस डिस्कशन पे जाने से पहले हमें आपको पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बताना था। ये बेसिक बात आप पहले समझ लीजिए कि ए ने गुड्स बेचा, एंट्री अब मेंशन भी आप लिखना होगा आपने, क्योंकि जब आप बिल ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अकाउंटिंग एंट्रीज आपको जब करनी है तो आप शॉर्टकट इस्तेमाल ना करें और प्रॉपर नरेशन भी दें। नरेशन देना जरूरी है, कॉलम बनाना जरूरी है। हमने कॉलम्स यहाँ पे नहीं बनाए हैं, आपने कॉलम्स भी बनाना है प्रॉपर तरीके से, जनरल की कॉलम्स बनानी है, प्रॉपर नरेशन भी देना है। नरेशन आप क्या लिखेंगे? For goods sold to B on credit, for acceptance received from B for not at once, जितने महीने का acceptance मिला, for purchase of goods on credit from A, for acceptance given to A for not at once, that's it. आपको narration भी देना है। समय बचाने के लिए मैं narration और proper column नहीं बनाया यहाँ पे, I'm really very sorry for that. But आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि why this entry has been passed. Okay. Again, आगे बढ़ने के बाद आगे क्या करना है हमने? अभी हमें आपको ये बताना है कि पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कितने हैं, देन हम लोग यहाँ से मूव करेंगे आगे की तरफ। अभी यहाँ पे आपने देखा कि मिस्टर ए और मिस्टर बी दो पार्टीज थी, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज की तीन पार्टीज होती हैं। कौन कौन हो सकते हैं? फर्स्ट, पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज देयर आर थ्री पार्टीज, विथड्रॉवर, drawee and payee. Drawer जो बिल लिखते हैं, drawee जो बिल का acceptance देता है, payee का मतलब बच्चे confused हो जाते हैं, जो payment करता है, नहीं, one who receives payment, drawee, one who gives acceptance, drawer, one who draws a bill of exchange, draws a bill of exchange. तो आप ये parties to a bill of exchange को समझिएगा, लेकिन generally होता क्या है, commonly बहुत सारे cases में ऐसा देखने को मिलेगा कि जो drawer है वही payee है, क्योंकि जिसने bill लिखा payment उसी ने पाना है। लेकिन कभी कभी होता यूं है कि drawer Mr. A अपने creditor को वो bill endorse कर दिया because ये bill receiver उसके लिए आ सके, और अगर उसने bill endorse कर दिया अपने creditor C को तो bill का holder हो गया C। आप सी के हाथ में जब बिल है तो पेमेंट तो आप सी रिसीव करेगा, इसलिए थर्ड पार्टी भी आ गई बिल ऑफ एक्सचेंज की, वो है पेई। आप ये कंफ्यूज ना करें कि इंडोर्जी भी एक पार्टी हो, नहीं, बच्चे कभी कभी बता देते कि सर ड्रॉवर ड्रॉवी पेई इंडोर्जी चार पार्टी होती है बिल ऑफ एक्सचेंज की, नो इट इज नॉट द रियलिटी एंड दिस इज नॉट वेरी फैक्ट। तो इसे आप जल्द से जल्द नोट करें इमीडिएटली, लिया होगा। Let me read it. अभी जो बिल ऑफ एक्सचेंज की बात हो रही है, इसमें बड़ा ही एक महत्वपूर्ण बात है, वो है मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करना और ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट के बीच में डिफरेंस समझना। इस संदर्भ में क्या बातें हैं हम लोग पहले ये जानेंगे। कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करने से पहले आप ये जानें कि सबसे पहला एक होता है डिमांड, दूसरा बिल एट साइट, तीसरा बिल आफ्टर साइट। यहाँ पे मैंने देखा बच्चे खासे कंफ्यूज रहते हैं। डिमांड बिल, इसमें कोई मोहलत नहीं होती, इसकी मैच्योरिटी डेट एम डी को मैं डिनोट कर रहा हूँ मैच्योरिटी डेट से, ये मैच्योरिटी डेट है, मैच्योरिटी डेट इसकी होती है ऑन प्रेजेंटेशन, कोई मोहलत नहीं, कहने का मतलब इसमें कोई टाइम पीरियड अलॉट नहीं होता, कोई मोहलत नहीं। मोहलत कौन सी बात है, ये मोहलत क्या है, टेन्योर, कि आप अपने डेटर को कितना समय देते हैं पेमेंट करने। तो इस बिल का क्या है कि जब जस्ट लाइक चेक है, आप चेक देखा होगा, आपने चेक समझते होगे कि चेक को आप बैंकर के पास प्रेजेंट किया, पेमेंट अभी दे दीजिए, बैंकर चेक क्लियर करता है, वेरीफाई करता है और वो चेक क्लियरेंस के बाद आपको पेमेंट हाथ में दे देता है बियर चेक के समय। यह बिल बिल्कुल उसी तरह का डिमांड बिल, डिमांड बिल इज जस्ट सेम जस्ट एज चेक, कोई इसमें टाइम मोहलत यानी कि नहीं मिलती, लेकिन बिल एट साइट और बिल आफ्टर साइट में मिलता है। इसमें मैच्योरिटी डेट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेट ऑफ acceptance plus वही मोहलत जिसे आप टेन्योर समझ सकते हैं, प्लस
3 days of grace अनुग्रह दिवस कहलाता है, हिंदी में बोले तो अनुग्रह दिवस। ये 3 दिन मिलते हैं। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से देना है, जिस दिन बिल का एक्सेप्टेंस हुआ, बिल एट साइट है, सॉरी बिल एट साइट नहीं, बिल आफ्टर साइट ही होगा यहाँ पे, और डिमांड बिल और बिल एट साइट एक होता है, बिल एट साइट, बिल आफ्टर डेट। अब सही बोल, आई एम सॉरी यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, वैसे डिमांड बिल और बिल एट साइट दोनों एक होते हैं, और बिल आफ्टर साइट और बिल आफ्टर डेट, ये दोनों अलग। बिल आफ्टर साइट में डेट ऑफ एक्सेप्टेंस प्लस मोहलत प्लस 3 डेज, मोहलत करने का मतलब वही टेन्योर, प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस यानी अनुग्रह दिवस, तो आपकी आईडी इज इक्वल टू मैच्योरिटी डेट। आप कह सकते हो फिर ये मैच्योरिटी डेट, सपोज करिए कि डेट ऑफ बिल ड्रॉन 1 जनवरी है लेकिन एक्सेप्टेंस 10 जनवरी को मिला, तो हम लोग काउंट करेंगे 10 जनवरी और 3 महीने का बिल है, तो मंथ और डेज, ये मोहलत हो सकता है मंथ या डेज में, इन मंथ्स और डेज, 60 डेज बिल हो सकता है, 2 मंथ्स बिल हो सकता है, 3 मंथ्स बिल हो सकता है, 1 मंथ बिल हो सकता है। तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 10 जनवरी है और 1 महीने की मोहलत है, मोहलत 1 महीने की है, 1 मंथ, तो 10 जनवरी प्लस 1 महीने 10 फरवरी हो गए। अब उस 10 फरवरी में 3 दिन और जोड़ने, तो 13th फरवरी हो जाता है, और वो अनुग्रह दिवस आपने जोड़ दिया तो वो आपके आ जाएगी मैच्योरिटी डेट। लेकिन बिल आफ्टर डेट में क्या होगा, डेट ऑफ बिल ड्रॉन, किस दिन बिल लिखा गया, डेट ऑफ बिल ड्रॉन प्लस वही मोहलत, मोहलत में जानबूझ के हिंदी वर्ड यूज कर रहा हूं, माफ कीजिएगा, 3 डेज ऑफ ग्रेस यही अनुग्रह दिवस इज इक्वल टू मैच्योरिटी डेट। यहां पर बात आपको समझनी है, डिमांड बिल और बिल एट साइट बोथ आर सेम, कोई अंतर नहीं, इसमें कोई मोहलत नहीं होती, डे ऑफ ग्रेस का कोई लफड़ा नहीं, आप जिस दिन बिल अपने ड्रॉवी के पास प्रेजेंट करते हो वही मैच्योरिटी डेट मान रहे, सिंपल। लेकिन बिल आफ्टर साइट है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस इस दिन एक्सेप्टेंस, बिल आफ्टर साइट है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से काउंट करना है, जिस दिन एक्सेप्टेंस मिला है, प्लस टेन्योर, टेन्योर यानी मोहलत, 1 मंथ, सॉरी 2 मंथ, 3 मंथ, मंथ में हो सकता है या फिर डेज में हो सकता है, 45 डेज, 60 डेज, 90 डेज, और प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस अनुग्रह दिवस, तो आपका इज इक्वल टू क्या आया, मैच्योरिटी डेट। बिल आफ्टर डेट क्या है, कि जिस दिन बिल लिखा गया उस दिन से चलेगा, डेट ऑफ बिल ड्रॉन एक्सेप्टेंस के डेट से नहीं, जिस दिन बिल लिखा गया उस दिन से, आपको कितनी मोहलत दी गई, अब बिल लिखा गया था 1 जनवरी को, बिल का एक्सेप्टेंस मिला 10 जनवरी को, लेकिन वो बिल आफ्टर साइट है, तो हम लोग डेट ऑफ एक्सेप्टेंस यानी 10 जनवरी से काउंट कर रहे थे, और 13 फरवरी हमारा मैच्योरिटी डेट आया था, 1 मंथ का टेन्योर है, तो यहां भी 1 मंथ टेन्योर अगर मान लें, तो डेट ऑफ बिल ड्रॉन 1 जनवरी, तो 1 जनवरी से 1 महीना कितना होगा, 1 फरवरी, और वो फर्स्ट ऑफ फैब, उसमें मोहलत जो जोड़ दिया हमने 3 डेज ऑफ ग्रेस में जोड़ दिया, तो 1 फरवरी प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, 4th of Feb की मैच्योरिटी डेट। डेट ऑफ बिल, बिल आफ्टर साइट और बिल आफ्टर डेट में मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करने के संदर्भ में डिस्टिंक्शन क्या है, कि डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से हम लोग कब लेंगे, जब बिल एट साइट हो, और डेट ऑफ बिल ड्रॉन से कब लेंगे, जब बिल आफ्टर डेट हो। बात है सिंपल, इसमें 2 बातें अभी और है, अगर आप ये समझ गए हो तो ये दोनों मेन, तो यही दोनों है, इसमें तो कुछ खास ही है, जिस दिन आप प्रेजेंट कर रहे हो दैट इज योर मैच्योरिटी डेट, तो यहां मैच्योरिटी डेट ये तो निकल आया, चलो भैया ठीक है कि मैच्योरिटी डेट आ गई है, मैच्योरिटी डेट क्या है, अब मैच्योरिटी डेट आ गई हमारी संडे, डिक्लेयर्ड हॉलीडे जो कि कैलेंडर में होता है, इफ यू विल सी कैलेंडर, इट इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड होने, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, पूरे साल का कैलेंडर आपके हाथ में है, आने वाले वर्ष का भी आपका कैलेंडर आपके हाथ में होता है, लोग जानते हैं, तो वहां कौन कौन सी छुट्टियां जो है वो पहले से घोषित है, डिक्लेयर्ड हॉलीडे डी एच और एस एच, ये दोनों बातें, दोनों बातों को आपको समझना होगा, डिक्लेयर्ड हॉलीडे और सडन हॉलीडे। सपोज कि ये जो हमारा यहां पे कैलकुलेट करके जो भी 13th और 14th फैब आ रहा था वो संडे पड़ रहा था, तो संडे डिक्लेयर्ड हॉलीडे है, तो डिक्लेयर्ड हॉलीडे में आप -1 डे करेंगे, 1 दिन बिफोर मैच्योरिटी डेट। लेकिन अगर सडन हॉलीडे है, सडन हॉलीडे क्या होता है, सडन हॉलीडे वो हॉलीडे होता है जो पहले से डिक्लेयर नहीं है, स्ट्राइक हो गई, लॉकआउट हो गया, किसी भी प्रकार की किसी की डेथ हो जाने की वजह से बंदी हो गई, सडन हॉलीडे जो कि पहले से डिक्लेयर्ड नहीं है, तो उसमें मैच्योरिटी डेट में जो भी मैच्योरिटी डेट आपने कैलकुलेट किया +1 डे, बस यही बात आपने ध्यान रखी। 15th of August अगर मैच्योरिटी डेट आपका कैलकुलेट करके आए, सपोज इट इज डिक्लेयर्ड हॉलीडे 14th of August, 2 अक्टूबर डिक्लेयर्ड हॉलीडे, अब 2 अक्टूबर आया तो वो सडन हॉलीडे नहीं, संडे इज नॉट सडन हॉलीडे, संडे इज ऑल्सो डिक्लेयर्ड हॉलीडे, संडे बैंक बंदी होती है, डिक्लेयर्ड हॉलीडे है -1 डे, मैच्योरिटी डेट विल बी -1 डे, एंड सडन हॉलीडे, इन केस ऑफ सडन हॉलीडे योर मैच्योरिटी डेट वुड बी एक्सटेंडेड फॉर नेक्स्ट फॉर द डे। अब बच्चे यहां सवाल करते हैं, सर सडन हॉलीडे था, सडन हॉलीडे आ गया, स्ट्राइक हो गई थी, तो हम लोग तो भाई नियम के मुताबिक एक दिन आगे चले गए, एक दिन आगे संडे, चक्कर
अच्छा फिर आगे जाएंगे, पीछे नहीं आएगा, सॉरी, वी विल नॉट रिवर्स बैक, हम लोगों ने आगे ही जाना है, कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर होगा, इस पर से भी आप नोट कर लेंगे हाउ टू कैलकुलेट मेजॉरिटी रेट। अब यहाँ पे एक बात और, मेजॉरिटी रेट आप लोग जितने के साथ साथ मेरी बातों को सुनते भी रहिए साथ साथ। वेल, बात यहाँ सिंपल ये है कि बहुत सारे लोकल राइटर्स ने करके रखा है कि ड्यू डेट और मेजॉरिटी रेट, इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है। कुछ लोगों का कहना है कि ड्यू डेट एंड मेजॉरिटी डेट बहुत हार्ड से, बट यहाँ पे मेरा कहना यह है कि डेट ऑफ एक्सेप्टेंस प्लस 10 ईयर प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस आपने जोड़ दिया, इट बिकम्स मेजॉरिटी डेट, not due date. It is maturity date. Due date, date of acceptance plus tenure. Whenever 3 days of grace are added to it, it becomes maturity date. Day of grace जोड़ने से पहले तक का जो है वो due date है, और day of grace जो ही जुड़ गया तो वो maturity date हो गया। लेकिन बहुत से लोग इसको commonly use भी करते हैं, तो आप इसमें confuse ना करें, आप content देखें और समझने की कोशिश करें कि किस लिहाज से एक आ गया, दोनों कभी कभी synonymous के रूप में भी synonymous term के रूप में भी use होता है, तो आप लोग confuse ना करें। कुछ लोग maturity date और due date में बिल्कुल अंतर नहीं समझते, आप लोग भी मत समझें। जहाँ रिक्वायरमेंट है दोनों बातें अलग अलग हो रही है, देन आप उसको इनकॉर्पोरेट करें। ओके, तो इसे आप लोग नोट कर लें, मेरे ख्याल से आप लोग नोट कर चुके होंगे, मैं क्या रेज कर सकता हूं। ओके, अब यहाँ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैटर है बिल ऑफ एक्सचेंज के संदर्भ में। अभी अभी हमने ए और बी दो पार्टीज ली थी, ए वॉज ड्रॉअर एंड बी वॉज ड्रॉवी। ए ने बी को गुड्स बेचा था, एंट्री करी थी बी डेबिट टू सेल्स, इनके पास बिल का एक्सेप्टेंस आ गया था, बिल रिसीवेबल डेबिट टू बी, इन्होंने एक्सेप्टेंस दिया था, सॉरी गुड्स खरीदा था पहले, परचेजेस डेबिट टू ए एंड ए डेबिट टू गुड्स पेएबल। अब यही पे बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे मैटर्स हैं जिसपे हमने अभी लाइट थ्रो करना है कि यहां एक्सेप्टेंस पाने के बाद ए के पास कितने ऑप्शन है और बी के पास कितने ऑप्शन है, हमने अभी ये डिस्कस किया। और अकाउंटिंग एंट्रीज इन वेरियस एब्सेंस पे क्या होगा, हमें उसे एक फ्लो चार्ट की मदद से समझना है और सारे मैटर को अच्छे से क्लियर करना, क्योंकि इस पे बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारी अकाउंटिंग एंट्रीज सीखने की जरूरत होगी। लेकिन है बड़ी सिंपल, बहुत ही सिंपल मैटर है, हमें बताने की जरूरत है आपको कि 20 को गुड्स बेचा और 20 से बिल का एक्सेप्टेंस पाया ए ने, तो ए के पास अभी मेजॉरिटी डेट आने वाली, मेजॉरिटी डेट हमने डिस्कस किया 1 महीने 2 महीने 3 महीने कुछ भी जो मोहलत दी हो गई होगी, उस मोहलत के बाद इनके पास बिल का पेमेंट मिलने वाला है, लेकिन उससे पहले इनके पास कितने ऑप्शन मौजूद हमने अभी डिस्कस किया। बी के पास, बी ने गुड्स खरीदा एक्सेप्टेंस दिया, अभी इन्हें वेट करना है क्योंकि मैच्योरिटी डेट अभी आने में बहुत बाकी है, तो बी के पास मैच्योरिटी डेट से पहले कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं हमने अभी डिस्कस किया। तो आप इसे लिखें, पहले तो हमने डिस्कस करना है ये कि ए के पास कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद, ड्रॉअर्स ऑप्शंस एंड ड्रॉवीज ऑप्शंस, ड्रॉअर्स ऑप्शंस बिफोर मैच्योरिटी डेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉअर के पास कितने ऑप्शंस हैं हमने अभी ये डिस्कस किया। सेकंडली वी विल डिस्कस आल्सो ड्रॉवीज ऑप्शंस, बिफोर मैच्योरिटी, ये भी हमने डिस्कस किया। देखिए ड्रॉअर के पास जो सिंपल ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन इसके पास ये है, ही मे कीप द बिल with himself till maturity date, he may get the bill discounted from bank, he may endorse the bill to the bank, he may endorse the bill to his creditor, and fourth one, he may send the bill to the banker for collection. ये चार ऑप्शन है, ड्रॉअर के पास ये चार ऑप्शन है, और ड्रॉवी के पास कौन कौन से ऑप्शन है अभी मैं डिस्कस करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये चारों ऑप्शन कहीं पर लिखें कि ड्रॉअर्स ऑप्शन बिफोर मेजॉरिटी डेट ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉअर के पास कितने ऑप्शन है वो आप नोट करें फटाफट।
किया कि drwee के पास क्या ऑप्शन है, मैच्योरिटी डेट अभी आई नहीं, मैच्योरिटी डेट आने में बहुत है, तो drwee's ऑप्शंस बिफोर मैच्योरिटी डेट, फर्स्ट ही में रिक्वेस्ट द drawer फॉर रिन्यूअल ऑफ बिल, सेकेंड ही में request the drawer for premature payment under a rebate. अब यहीं से टॉपिक निकल रहा है, ये चार ऑप्शंस इनके थे drawer कि drawer मैच्योरिटी डेट से पहले बिल का क्या कर सकता था, अपने पास रखे रह सकता था, दूसरा कि बिल को वो डिस्काउंट करवा सकता था बैंक से. अब डिस्काउंटिंग कराने का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट कराने की एंट्री क्या होती है, ही मे इंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर, वो अपने किसी क्रेडिटर को बिल इंडोर्स कर सकता था, फोर्थ वन ही मे सेंड द बिल टू द बैंकर फॉर कलेक्शन, बिल को वो बैंक में कलेक्शन के लिए भेज सकता था. एक और ऑप्शन भी है बट उस ऑप्शन पर जाने से पहले फिर एक और किसी में मर्ज करना पड़ जाएगा, इसलिए चार ही ऑप्शन बताए जाते हैं. वो फोर्थ ऑप्शन के बाद फिफ्थ ऑप्शन ये है कि ड्रॉवर अपने बिल को मॉर्गेज कर सकता है, तो मॉर्गेज यदि करता है, हाइपोथेकेट के मॉर्गेज यदि करता है तो उसे इंडोर्समेंट करना पड़ेगा. Just like ये. तो ये थर्ड ऑप्शन जो था endorsement वाली बात, तो वो भी उसे उस समय करना पड़ेगा, इसलिए चार ही ऑप्शंस बताए जाते हैं. पांचवा hypothecation के लिए बात वही हो जाती है, mortgage के लिए बात वही जाती है, इसलिए चार ही ऑप्शंस बताए जाते हैं. लेकिन drawee के पास ऑप्शन क्या है, maturity date से पहले, not on maturity date. ध्यान दीजिएगा मेरी बात. Drawer's option before maturity date of a bill of exchange, चार ऑप्शंस हो गए इनके पास. First, he may keep the bill with himself till maturity date. Second, he may get the bill discounted from the bank. Third, he may endorse the bill to his creditor. And fourth, he may send the bill to the banker for collection. And drawee's options before maturity date 1 and 2. First option, he may request the drawer to for renewal of bill. Renewal of bill एक topic आएगा, हम लोग इसके लिए topic इसपे बात करेंगे कि what is renewal of bill and what are the various cases of renewal of bill. Renewal की entries क्या होंगी, drawer के book में और drawee के book में किस तरीके से entries की जाएंगी, renewal होगी तो. दूसरा, he may request the drawer for premature payment under rebate. Premature payment under rebate करने का मतलब क्या हुआ कि आप bill का payment कर रहे हो लेकिन कब, maturity date आपको 2 महीने बाद की है लेकिन आप 2 महीने पहले payment कर रहे हो. तो जब आप 2 महीने पहले payment कर रहे हो, it means you want some rebate or discount. और यदि इसमें सहमत, यदि request कर सकता है premature. मेचोरिटी के डेट से पहले ये सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, यहाँ इनके हाथ में कुछ नहीं कि जबरदस्ती पेमेंट दे दे, नहीं, मेचोरिटी डेट पे ही पेमेंट हो सकता है. अगर ड्रॉवर डिनाई करते हैं कि आपने रिबेट देना, हमें पेमेंट नहीं लेना, हमें पैसे जरूरत नहीं, आप 2 महीने बाद मेचोरिटी पे उस पैक देना. इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज टेंडर ऑफ मनी एज पर द लॉ एंड ड्रॉवर विल नॉट बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम हिज पैकेट ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. यू विल हैव टू पे द अमाउंट ऑफ मेचोरिटी डेट ऑन डिनायल ऑफ सच रिक्वेस्ट. तो ये रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, ड्रॉवर के पास रिक्वेस्ट करने के सिवा कोई आचार नहीं है, यहाँ कोई रिक्वेस्ट नहीं है. ड्रॉवर कोई रिक्वेस्ट किसी से नहीं करेगा, कम से कम ड्रॉवर से तो बिल्कुल नहीं करेगा. वो भी अपने पास रखा किसी रिक्वेस्ट की जरूरत है, उसने बिल्को पैसा डिस्काउंट करा किसी रिक्वेस्ट की जरूरत है, ही मे इंडोर्स क्रेडिटर, क्रेडिटर को दे दिया, लेना लीजिए नहीं लेना नहीं देंगे. drawee ने एक्सेप्ट कर लिया, ही मे सेंड द बिल टू द बैंकर फॉर कलेक्शन, किसी के परमिशन किसी रिक्वेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, बैंक उसका एजेंट है और बैंकर उस drawee के बिहाफ में उस बिल को कलेक्ट करेगा और अमाउंट उसके अकाउंट में क्रेडिट करेगा. आउटस्टेशन बिल के संदर्भ में ये बात कलेक्शन वाली होती है. सपोज कि आप दिल्ली के हो, आप दिल्ली में बिल ड्रॉ कर रहे हो लेकिन पेमेंट उसका बैंगलुरु में होना है और बैंगलुरु में आपको बिल प्रेजेंट करना है, देन आप उस बिल को हैंडओवर कर देते हो अपने दिल्ली ब्रांच में अपने बैंकर को, बैंकर कलेक्ट करती है बिल और आपके अकाउंट में क्रेडिट करती है, आपका आने जाने का खर्च और एक्सपेंस जो है रिड्यूस हो जाता है, बैंक नॉमिनल कलेक्शन चार्जेस कलेक्ट करती है. दिस इज द कांसेप्ट ऑफ सेंडिंग द बिल टू द बैंकर फॉर कलेक्शन. इंडोर्समेंट का कांसेप्ट सिंपल है, बिल चूंकि एसेट है तो हम अपने क्रेडिटर को जिस प्रकार से चेक या ड्राफ्ट देते हैं उस प्रकार से कंसिडरेशन में हम अपना बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स कर सकते हैं. अब नहीं बात ही में गेट द बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, प्री मैच्योरिटी बिल को बैंक में हैंडओवर कर देना और बैंकर को ये कहना कि भैया आप कुछ डिस्काउंट का अमाउंट काट लो और हमें पहले पेमेंट दे दो, मैच्योरिटी डेट पे आपको पेमेंट मिल जाएगा, पेमेंट नहीं मिला बैंक ये ड्रॉवर का पॉलिसी. एंड इन केस कि बिल अगर बैंक से डिस्काउंट कराया गया और उसका ड्रॉवी पेमेंट ना करे मैच्योरिटी डेट पे तो बैंकर किससे लेगी पेमेंट, तो जिसने बिल को डिस्काउंट करवाया उससे. दीज आर दी केसेस, हम लोग अभी इन केसेस की अकाउंटिंग एंट्रीज पे डिटेल डिस्कशन करेंगे विद अ फ्लो चार्ट, बट बिफोर गोइंग थ्रू द फ्लो चार्ट हमने अभी डिस्कस किया कि ड्रॉवर्स ऑप्शन बिफोर मैच्योरिटी डेट ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज और drawee's options before maturity date. drawee's options before maturity date. तो drawee के पास दो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट कर सकता है वो, यही दो ऑप्शन है इसके पास. अदरवाइज जो चुपचाप बैठा है कुछ नहीं करना, मैच्योरिटी डेट आ रहा है. लेकिन अब सवाल ये है कि ऑन मैच्योरिटी डेट क्या ऑप्शन है. ऑन मैच्योरिटी डेट ऑन एमडी, ये भी समझ लेना लगे आपको तब आगे बढ़ते हैं. ऑन मैच्योरिटी डेट drawer's ऑप्शन, बच्चे कहते हैं कोई ऑप्शन नहीं, मेरे पास कोई ऑप्शन है क्या यहाँ पे, drawer के पास कोई ऑप्शन होगा, मेचोरिटी डेट आ रही है बिल्की, आज मेचोरिटी डेट है, डू हैव एनी ऑप्शन, आप drawer को बता सकते हो आप में से कोई कि drawer के पास कोई ऑप्शन होगा मेचोरिटी डेट पे. नंबर वन,
we may accept the payment or can exempt the drawee from this liability of payment. ये मुद्दा समझ में नहीं आया. ड्रॉवर के पास भी ऑप्शन है मैच्योरिटी डेट पे, पता नहीं था, बिल्कुल पता कर लीजिए. ड्रॉवर के हाथ में ये बात है, ड्रॉवी ने अगर पेमेंट किया है तो पेमेंट रिसीव करे या एग्जेम्प्ट कर दे अपने ड्रॉवी को कि भाई साहब हमने पेमेंट नहीं लेना, एंड यू हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मेकिंग एनी फर्दर पेमेंट. तो ड्रॉवी अपनी लाइबिलिटी से मुक्त हो सकता है, ये ऑप्शन इसके पास है. और इस केस में एंट्रीज क्या होंगी ये भी आपको समझना होगा कि पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है ड्रॉवर तो एंट्री क्या करेगा, और एग्जेम्प्ट कर रहा है अपने ड्रॉवी को तो वो क्या एंट्री करेगा. यहाँ टेक्निकली बच्चे फंस जाते हैं इसी टाइप की चीजों में, लेकिन अगर आप पहले से इन छोटी छोटी बातों को समझ लेंगे तो ये चैप्टर समझना आपके लिए बड़ा आसान है. और मैं आपको क्लियरली बता दूं कि अभी जो हमने करा है, जो कुछ भी हमने आपसे डिस्कस करा है, इट इज जस्ट एन आउटलाइन, इट इज नॉट द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द एंटायर चैप्टर, इट इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू बिल ऑफ एक्सचेंज. हमने इस पे अभी डीपली जाना है और डीपली बातें करनी है. ड्रॉवर के ऑप्शन तो ये होगा कि वो बिल को एक्सेप्ट कर सकता है, ही मे एक्सेप्ट द पेमेंट, बिल का पेमेंट एक्सेप्ट कर सकता है, कैन एग्जेम्प्ट द ड्रॉवी फ्रॉम हिज लायबिलिटी ऑफ पेमेंट. ड्रॉवी के पास ऑप्शंस क्या है? ड्रॉवी के पास दो ऑप्शंस है. ड्रॉवी ऑप्शंस, फर्स्ट और बिल, सेकंड डिसऑनर. बात समझ में आ गई? ऑनर ऑफ बिल, ड्रॉवी के पास ऑप्शन बड़ा सिंपल है, बिल का पेमेंट कर दिया. मैच्योरिटी डेट है, मैच्योरिटी डेट के पास, मैच्योरिटी डेट पे इसके पास ऑप्शन था कि पेमेंट करे या पेमेंट ना करे. आप कह सकते हो हाँ कि सर सर कैश एग्जेम्प्ट, अगर वो एग्जेम्प्ट कर रहा है तो ये डिनाई कर रहा है, कर सकता है, तो बात तो बनेगी नहीं. किसी ना किसी को तो एक्सेप्टेंस देना होगा, किसी ना किसी की तो बातें माननी होगी. अदरवाइज ये पेमेंट कर रहा है और ये पेमेंट एग्जेम्प्ट करना चाह रहा है, तो या तो ये माने या फिर ये माने, तभी कुछ एंट्रीज हो पाएंगी, नहीं तो फिर बात टकराती है, अकाउंटिंग नहीं होती. यहाँ बात आपको समझना होगा, ओनर ऑफ द बिल कहने का मतलब कि बिल का पेमेंट मैच्योरिटी डेट पे हो जाना, डिसऑनर ऑफ बिल कहने का मतलब कि बिल का पेमेंट मैच्योरिटी डेट पे ना होना. दोनों केसेस में हम लोग अभी बात करेंगे. और ड्रॉवीज ऑप्शंस तो हमने समझ लिया कि बिफोर मैच्योरिटी डेट और मैच्योरिटी डेट पे ड्रॉवर का ऑप्शन और ड्रॉवी का ऑप्शन बहुत ही संकीर्ण है, बहुत कम है. अब हम लोग बात करेंगे इन चार केसेस के अकाउंटिंग एंट्रीज की, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर. आई होप कि आप ये सारा मेरे साथ साथ लिख रहे थे, हमें अरेंज करने की अनुमति दीजिए और हमें थोड़ा और फास्ट चलने की अनुमति दीजिए, क्योंकि ये चैप्टर और ये टॉपिक जो है थोड़ा अभी मोमेंटम पकड़ने वाला है, तो इसमें समय ज्यादा लगने वाला है. आप लोगों का समय कीमती, तो समय बचाते हुए मैं इसे रेज कर रहा हूं. और अभी मैं बात करूंगा एक फ्लो चार्ट की मदद से कि ड्रॉवर इन वेरियस ऑप्शंस में अपने यहां कौन कौन सी एंट्री करेगा, और उसके बाद फिर ड्रॉवी उन ऑप्शंस के अगेंस्ट क्या एंट्री करेगा. तो हमने ड्रॉवर और ड्रॉवी दोनों के बुक्स में एंट्रीज देखनी है, लेकिन पहले हमें ड्रॉवर के बुक में एंट्री देखनी है कि ड्रॉवर उन चारों ऑप्शंस में अपने यहां कौन कौन सी एंट्रीज करेंगे. आइए देखते हैं ड्रॉवर्स ऑप्शंस बिफोर मैच्योरिटी डेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. Drawer's options before maturity date of a bill of exchange. Drawer के पास कितने options हैं? हम लोग एक flow chart की मदद से ये समझने की कोशिश करें. Well, पहला option drawer के पास bill को अपने पास रखने वाला, दूसरा option bill को discount कराना, तीसरा option bill को endorse करना, और चौथा option bill को rack में. पहला ऑप्शन कैप्ट टिल मैच्योरिटी डेट, दूसरा डिस्काउंटेड बिफोर एमडी, थर्ड ऑप्शन इज इंडोर्स्ड टू क्रेडिटर, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज सेंड द बिल फॉर कलेक्शन. दीज आर दिस फोर ऑप्शंस. हमें एक काल्पनिक उदाहरण लेना है, ए जनरल यानी ड्रॉवर्स जनरल में करना है. ड्रॉवर्स जनरल, फर्स्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, ड्रॉवी डेबिट टू सेल्स, दूसरा फॉर एक्सेप्टेंस received, bills receivable debit to drawee, third option before maturity date कोई entry नहीं होगी because the bill is kept by drawer with himself till maturity date. Now
ऑन मैच्योरिटी डेट ऑन एमडी, मेरे ख्याल से आप समझ जाएंगे एमडी इट मींस व्हाट इज एमडी, बोलिए मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी डेट पे एच ऑनर्ड डिसऑनर्ड, ऑनर्ड होने पे क्या एंट्री की जाएगी, ड्रॉवर क्या एंट्री करेगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ड्रॉवी क्या सॉरी डिसऑनर होने पे क्या एंट्री होगा, ड्रॉवी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अब ये बात आप लोगों को समझनी होगी कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमने क्या लिया था फॉर सेल ऑफ गुड्स, पहला ट्रांजेक्शन था फॉर सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, एंट्री की गई ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सपोज अमाउंट हम लोग ले लें 1000 रुपीज, इमेजनरी अमाउंट भी ले लिया, एक्सेप्टेंस रिसीट, फॉर एक्सेप्टेंस रिसीट एंट्री क्या की गई, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, हमने अभी अभी बताया अभी आपको बिफोर मेच्योरिटी डेट कोई ट्रांजेक्शन एक्सिक्यूट ही नहीं किया ड्रॉवर ने, बिल तो अपने पास रखे रहा इसलिए वो कोई एंट्री अभी करेगा ही नहीं मेच्योरिटी डेट के पहले, लेकिन मेच्योरिटी डेट पे दो में से कोई एक बात हो सकती है, मेच्योरिटी डेट इसके मेच्योरिटी डेट पे इसके हाथ में ये नहीं है कि बिल का पेमेंट ये खुद ही कर लेगा या खुद ही डिवाइड कर, ऐसा कुछ नहीं है, बिल अगर पेमेंट हो गया तो बैंक का कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल एसेट इंक्रीज, कैश और बैंक बैलेंस एसेट इंक्रीज, डिसऑनर होगी बिल, पेमेंट नहीं करा ड्रॉवी ने, एंट्री होगी, एक एंट्री करेगा ड्रॉवी को फिर से वापस अपना डेटा बनाएगा और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर देगा, दैट्स इट। अब सवाल यह है कि बिल यदि डिस्काउंट करा लिया जाता तो क्या एंट्री होती, हमें वही लेना है ड्रॉवर जर्नल पहला सेम एंट्री और सेल ऑफ गुड्स सेम एंट्री, दूसरा सेम एंट्री ये एंट्री सेम होगी, थर्ड लेकिन यहां चेंज एक आना है बिफोर मेच्योरिटी डेट फॉर डिस्काउंटिंग, तो ड्रॉवर एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, मान लिया जाए 990 रुपीज में बिल डिस्काउंट करा लिया गया, 10 रुपए डिस्काउंट करके बिल रिसीवेबल। अब सवाल ऑन मेच्योरिटी डेट की है, ऑन मेच्योरिटी डेट क्या एंट्रीज होंगी इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एच ऑनर्ड डी एच डिसऑनर्ड, ऑनर्ड होने पे कोई एंट्री नहीं नो एंट्री, लेकिन जब बिल डिसऑनर होगा तो ड्रॉवर एंट्री करेगा रवि डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ये एंट्री होगी, ध्यान दें हुआ क्या है, गुड्स बेचने की एंट्री सेम यही हो गई सेम जो यहां करी हुई फॉर सेल ऑफ गुड्स, सेकंड फॉर एक्सेप्टेंस रिसीट एंट्री सेम हो गई, लेकिन बिफोर मेच्योरिटी डेट फॉर डिस्काउंटिंग द बिल एंट्री क्या की गई, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अब जब मेच्योरिटी डेट आएगी तो बिल के मेच्योरिटी डेट पे एंट्री, जब बिल का पेमेंट हो जाएगा तो ड्रॉवर कोई एंट्री नहीं कर रहा आपने, रीजन क्या रीजन इसके पीछे, रीजन ये है कि बिल कहां है, ड्रॉवर के हाथ में है नहीं, बिल किसके हाथों में है, बिल है हाथ में बैंक के, क्योंकि बैंक के पास बिल जा चुका है पहले ही मेच्योरिटी डेट से पहले ही, तो पेमेंट अब कौन रिसीव करेगा बिल का, अगर पेमेंट हो रहा है तो बैंक बिल का पेमेंट रिसीव करेगी, इसलिए ड्रॉवर यानी ए कोई एंट्री नहीं करेगा, लेकिन अगर बिल डिसऑनर होता है तो बैंकर पैसा मांगेगी किससे, जिसने बिल को डिस्काउंट करवाया उससे, बैंकर को अमाउंट मिलेगा लेकिन किससे मिलेगा, डिसऑनर होने के केस में वो लेगा ड्रॉवर से जिसने बिल को डिस्काउंट करवाया, इसलिए ड्रॉवर ने एंट्री किया ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, हमने यहां गलत लिखा हुआ है, यहां बिल रिसीवेबल ना होगा बैंक, बैंक को क्रेडिट करना पड़ेगा, ड्रॉवर को ड्रॉवी डेबिट और बैंक क्रेडिट, बैंक को पेमेंट देना पड़ेगा। अब सवाल है इंडोर्स टू क्रेडिटर, अगर इंडोर्समेंट की बात हो, मान लिया जाए कि बाकी सारी एंट्री ट्रांजेक्शन वही है, फॉर सेल ऑफ गुड्स सेम एंट्री, सेकेंड फॉर एक्सेप्टेंस रिसीट सेम एंट्री, लेकिन बिफोर मेच्योरिटी डेट, थर्ड फॉर इंडोर्समेंट बिफोर मेच्योरिटी डेट एंट्री होगी इंडोर्सी अकाउंट डेबिट, इंडोर्सी अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल क्रेडिट, बिल रिसीवेबल को हम क्रेडिट कर लेंगे। अब बिल कितने का था, बिल 1000 रुपए का था, हम लोग बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और इंडोर्सी को डेबिट करेंगे। ऑन मेच्योरिटी डेट फिर से वही बात, मेच्योरिटी डेट तो आना ही है, लेकिन मेच्योरिटी डेट पे बिल एच यानी ऑनर्ड डी एच यानी डिसऑनर्ड हो सकती है, अगर बिल पेमेंट हो जाए वंस अगेन ड्रॉवर कोई एंट्री नहीं करेगा, हम लोग जो एंट्री कर रहे हैं किसके यहां कर रहे हैं, तो ड्रॉवर के यहां कर रहे हैं, ड्रॉवर्स जनरल, ड्रॉवर्स जनरल, और ये ड्रॉवर अपने यहां जब बिल का पेमेंट हो जाता है कोई एंट्री नहीं करेगा, लेकिन अगर बिल डिसऑनर हो जाता है तो वंस अगेन वो ड्रॉवी को डेबिट करेगा और क्रेडिट इंडोर्सी को करेगा, ये इंडोर्सी अकाउंट। अब प्रश्न ये है
कि क्या रवि इन तीनों केसेस में कोई स्पेशल एंट्री करे। अभी हम लोग उस पर भी बात करेंगे रवि क्या जनरल करेगा, लेकिन उससे पहले अभी एक छोटा सा केस और हमारे हाथ में है, हम लोग पहले उसको डिस्कस कर लें, उसके बाद हम लोग रवि के ऑप्शंस पे भी जाएंगे और रवि देखेंगे कि इन चारों ऑप्शंस में कौन कौन सी एंट्रीज अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करने वाला है। अब देखें, सेंड द बिल टू द बैंकर फॉर कलेक्शन, तो ड्रॉअर यहां अपने यहां क्या एंट्री करने वाला है, ड्रॉअर जनरल फर्स्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स, एंट्री वुड बी सेम, कौन सी एंट्री होगी, ड्रॉअर डेबिट टू सेल्स, सेकंड एंट्री सेकंड ट्रांजेक्शन फॉर एक्सेप्टेंस रिसीव, एंट्री वुड बी सेम, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर जो हमने मांग कर रखा है, नंबर फोर फॉर सेंडिंग द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन, इसकी एंट्री क्या होती है, बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट। फिर वही बात ऑन मैच्योरिटी डेट, अब मैच्योरिटी डेट पे बिल ऑनर और डिजोनर कुछ भी हो सकता है, एच डी एच बिल का पेमेंट हो गया, इस बार एंट्री होगी, यहां ड्रॉअर एंट्री करेगा, क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन। रीजन इज दैट कि यहां क्या है, बाकी इन दोनों केसेस से ये अलग कैसे हुआ, बिल भले ही बैंक के पास कलेक्शन के लिए गया हुआ था, लेकिन जब बिल कलेक्ट होगा तो अमाउंट बैंकर कहां क्रेडिट करेगी, बट नेचुरल सी बात है कि ड्रॉअर ने बिल भेजा था कहां, अपने बैंकर को, यानी अपने एजेंट को दिया था कि मेरे बिहाफ में अमाउंट आप कलेक्ट करो, तो बैंकर उसके अकाउंट में पैसा क्रेडिट करेगी, तो ड्रॉअर अपना बैंक बैलेंस तब बढ़ाएगा जब बिल का पेमेंट मेच्योरिटी डेट पे हो जाता है, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, लेकिन जब डिजोनर हो जाए तो ड्रॉअर डेबिट और क्रेडिट बिल्स फॉर कलेक्शन, बिल्स फॉर कलेक्शन को हम लोग क्रेडिट करेंगे, यही बात है, सेंडिंग द बिल, सेंड द बिल फॉर कलेक्शन, हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे। अब यहां पे समझना आपको क्या है, बहुत सिंपल सा मैटर है, आप थोरली जब देखेंगे तो डिजॉनर्ड, जब जब बिल डिजॉनर हो रहा है तो ड्रॉअर डेबिट, यहां भी डेबिट, यानी जब भी बिल डिजॉनर होता है तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर ड्रॉअर का अकाउंट जरूर डेबिट होता है, ड्रॉअर को डेबिट करता है ड्रॉअर हर हाल में, लेकिन वो क्रेडिट किस अकाउंट को करेगा इन केस ऑफ डिजॉनर ऑफ बिल, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑप्शन यूटिलाइज्ड बाय हिम बिफोर मैच्योरिटी, अगर ड्रॉअर ने बिल को अपने पास रखा था टिल मैच्योरिटी डेट और बिल डिजॉनर हुआ तो बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट करा है, बिल अगर ड्रॉअर के पास था और बिल डिजॉनर हुआ तो बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट करा है, अगर बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया था तो बैंक को क्रेडिट करा है, अगर बिल को इंडोर्स कर दिया था और बिल डिजॉनर हुआ है तो इंडोर्सी को क्रेडिट किया है, और अगर बिल को बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा था तो बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट को क्रेडिट करा है, लेकिन जब बिल का पेमेंट हो जाता है तो ड्रॉअर सिर्फ दो केस में एंट्री करता है, एक कि जब बिल उसके पास था तब, और एक कि जब उसने बिल को अपने बैंकर के पास कलेक्शन के लिए भेजा था तब, अदरवाइज बाकी रिमेनिंग टू केसेस में ड्रॉअर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑनर के टाइम पे जब बिल ऑनर हो जाता है, बिल मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट मिल जाता है तो, और बिल डिस्काउंट कराया हुआ है, ड्रॉअर एंट्री अपने यहां नहीं कर रहा था, बिल इंडोर्स कर दिया था, ड्रॉअर अपने यहां एंट्री नहीं कर रहा था, रीजन वॉज दैट कि पेमेंट कौन रिसीव कर रहा था, यहां बैंक रिसीव कर रही थी पेमेंट और यहां इंडोर्सी पेमेंट रिसीव कर रहा था, दैट इज व्हाई ड्रॉअर ने कोई एंट्री नहीं करा, लेकिन फर्स्ट और फोर्थ केस में ऑनर होने पर और डिजॉनर होने पर दोनों कंडीशन में एंट्री ड्रॉअर कर रहा था। तो आप एक बार इसे जल्द से जल्द नोट कर लें, आप दो मिनट यहां पर टाइम ले लें, दो मिनट में आप इसको जल्द से जल्द नोट करें, फिर मैं ड्रॉअर के बारे में बात करूं कि ड्रॉअर इन सारे केसेस में क्या एंट्री करेगा, ड्रॉअर की एंट्री के बारे में कर रहा हूं, जस्ट नोट इट डाउन।